फ्रेंड्स, मैं हूं तमीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बस टेक। आज का टॉपिक है आपके कबूतर सूखे में जा रही हैं और दाने खा के किनारे बैठ जाता है और उसको खांसी लगती है। प्लस अब जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, बारिश का क्लाइमेट चेंज हुआ है, अब अभी बहुत सारे बीमारी आ सकते हैं कबूतर को। तो इस दवा को तुम कंटिन्यूस वीकली 3 डेज यूज़ करना पड़ेगा। आपके कबूतर में जो भी बीमारी है वो सब क्लियर करेंगी। हाँ फ्रेंड्स, और जो नेक्स्ट ट्विस्ट होने वाला है, प्लस इसका जो मंडा वो हिल रहा है बीमारी में, और उसमें अंखी में जाला है, सब कुछ इसमें ही बीमारी में, इस दवा में ही शिफा मिलेगी आपको। और आपके कबूतर ग्रीन बीट कर रहा है, इसके लिए भी इसमें ही शिफा मिलेगी। ये देखना फ्रेंड, ये कबूतर इस तरह बैठा हुआ है या उसका मंडा हिल रहा है या अपना चोंच खोल के बैठा हुआ है किनारे पे, या चारे चुन के जाके किनारे में बैठता है, उन सबको यही ट्रिक यूज़ करेंगे तो आपका कबूतर इंशाल्लाह ज़रूर से शिफा हो जाएगी। आपका कबूतर 100% ठीक हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ क्या ट्रिक यूज़ करना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, ये है ब्रोटोन, इसका प्राइस है 75 रुपीज़। हाँ फ्रेंड्स, ये भी ले लो, प्लस विमरल भी ले लो। ये देखो, ये विमरल भी ले लेना, प्लस पावर जेल, और ये पावर जेल भी ले लो। सॉरी फ्रेंड्स, दिखा रहा हूँ वेट। ये भी 72 रुपीज़ का मिलेगा पावर जेल, इसको भी ले लेना, और 3 को भी 5 5 ml करके सिरिंजी में ले लो। इस तरह एक सिरिंजी ले लो, इसमें आप 5 ml पावर जेल ले लो और 5 ml बेंटोसल और 5 ml विमरल ले लो, ये 15 ml बन जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इसको अच्छा मिक्स करने के बाद, इसको जब भी आपका कबूतर चारा चुनता है, उसके बाद मॉर्निंग में और नाइट में जब भी चारा खा के पानी पीने के बाद आपको इसको 5 ml देना पड़ेगा। इसमें 3 भी मिक्स करके रहेगा, आप इसको 5 5 ml करके 3 कबूतर को डाल सकते हैं मॉर्निंग में और नाइट में। 3 डेज वीकली 3 डेज डालना पड़ेगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप जो भी बीमारी हो कबूतर को, सुखे की बीमारी, नेक ट्विस्ट हो रहा है या मंडा शेक हो रहा है, दाना खा के किनारे में बैठ गया, इसको ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करें, 100% शिफा मिलेगी कबूतर को। तो आप ट्राई करके, एक बार ट्राई करके देखना, वीकली 3 डेज आप यूज़ कर सकते हो इस ट्रिक को। एक बात है फ्रेंड्स, ये वीडियो को इतना शेयर करो कि सब भाइयों को पता चले, आपका ये किसी का एक कबूतर भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। सो प्लीज़ सब लोगों को भी शेयर करना। और मेरा चैनल में नए आए तो अभी देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना, प्लस लाइक भी कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।